जय श्री राम, जय श्री राम। पुलिस की अत्याचारी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। पुलिस की अत्याचारी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। सुदर्शन वाहिनी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुदर्शन वाहिनी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आओ माता जी। कंचनपुर निवासी एक निर्दोष नाबालिग लड़के अनिकेत कुशवाहा के ऊपर जबरन आधारताल थाने द्वारा आरोपियों से साठ गांठ कर मोटी रकम लेकर अनिकेत कुशवाहा के ऊपर झूठा मामला बनाकर उसे जेल भेजे जाने के संबंध में एसपी महोदय को सुदर्शन वाहिनी संगठन ने ज्ञापन सौंपा। पूरा मामला ये है कि चंदूलाल कुशवाहा पिता स्वर्गीय बारेलाल कुशवाहा निवासी वर्मा आटा चक्की के पास पुराना कंचनपुर जबलपुर में निवास करते हैं। परिवार का आरोप है कि पुलिस द्वारा जब वो शिकायत लिखवाने पुलिस थाने गए तो पुलिस द्वारा उनको शिकायत लिखी गई, लेकिन उनको उसकी उनकी कॉपी दूसरे दिन देने की बात कही। जब वो दूसरे दिन थाने पहुँचे तो पुलिस ने उनके सामने उनकी कंप्लेंट की शिकायत कॉपी फाड़ दी। बताया गया कि आरोपियों से साठ गांठ कर मोटी रकम लेकर चंदूलाल कुशवाहा के लड़के अनिकेत कुशवाहा को गिरफ्तार कर उन्हें दिनांक 31/5/2018 को जेल भेज दिया गया। ऊपर आके आवेदन हमारे दिया जाए, क्या प्रशासन हिंदुओं के लिए खड़ा होगा कभी कि नहीं होगा खड़ा, कि सिर्फ ये राजनेता के दबाव में ही काम करेंगे जीवन भर। मेरा निवेदन है सारे मीडिया से कि इस मुद्दे को क्या समस्या हमारी ये थी कि हमारे पुलिस थाना आधारताल आरोपी से मिलकर उनकी मोटी रकम लेकर शिवराज सिंह बघेल ने आरोपियों को बचाया, जो इस 7 से 8-10 केसों के अपराधी हैं, उन्होंने इनके घर पे बम चलाया और इनके बेटे को जबरदस्ती फंसाया गया। बोला गया इनसे कि आप आधारताल थाने आए और इस मामले को दबाएं। 181 में आपने जो कंप्लेन किया है वो कंप्लेन को वापस लें। इन्होंने लेने से कंप्लेन मना किया तो इनके बेटे को कल प्रशासन द्वारा जबरदस्ती उठा के और उसको जेल भेज दिया। क्या नाम लड़की का? अनिकेत कुशवाहा। आपका नाम? देवेंद्र सिंह ठाकुर। सुदर्शन वाहिनी प्रदेश द्वारा हमारे चंदू कुशवाहा जो हमारा कार्यकर्ता है सुदर्शन वाहिनी का, उसके ऊपर झूठा आरोप लगाकर उसको जेल भेजा गया। वो कार्यकर्ता हमारा आज तक कोई भी उसका थाने पर रिकॉर्ड नहीं है। वो हमेशा अपने घर से काम पे जाता है, काम से घर आता है और संगठन का हमारे साथ हिंदुत्व का मिलकर काम करता है। कुछ असामाजिक तत्व जो कंचनपुर में रहते हैं, जिन्होंने उससे बोला कि आप हमको ड्रिंक करने के लिए पैसा दो, दारू पीने के लिए पैसा नहीं देने पर उसको मारा, और मारने के बाद जब उसने थाने पर रिपोर्ट डालने गए तो थाने से उनको भगा दिया गया। उसके बाद जब वो रिटर्न अपने घर पर आया तो उसके घर पर जैसे ही आने के बाद रात को 12 से 1 के बीच में उसके घर पर बम फेंका गया। जब दोबारा फिर जब ये रिपोर्ट डालने के लिए आधारताल थाने गए तो आधारताल में तोमर जी द्वारा रिपोर्ट लिखी गई। रिपोर्ट लिखने के बाद उस रिपोर्ट को फाड़ दी गई और जब सवेरे जो गए तो इनसे बोला गया कि अगर आप ज़्यादा ही अगर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो आपको भी थाने में बंद कर दिया जाएगा। 181 पर इनने कंप्लेन किया। 181 में कंप्लेन करने के बाद पुलिस रचना सेन ने इनको फ़ोन करके ये बोला कि आप थाने पे आएँ और थाने में बैठकर इस चीज़ को विस्तार से बात करें। बोले कि केस ख़त्म हो गया है, हमको ऊपर सीएम हेल्पलाइन में रिपोर्ट भेजनी है। ऐसा बोला गया, जो नहीं आए तो इनके बेटे को कल जेल पहुंचा दिया गया। इसका सुदर्शन वाहिनी विरोध करती है, अगर हमारा कार्यकर्ता 48 घंटों के अंदर नहीं छूटेगा तो हम इस उग्र आंदोलन की तरफ जाएंगे। रिपोर्ट फाड़ दी गई है। जो हमारे साथ जो पीड़ित परिवार है वो हमारे साथ खड़ा हुआ है, आप उनसे वार्तालाप कर सकते। जी सुदर्शन वाहिनी देवेंद्र सिंह ठाकुर। जी बताएं। रात में हम लोग रिपोर्ट डालने कहाँ पे गए थे? आधारताल थाना। रिपोर्ट लिखी, हम लोगों ने सुबह रिपोर्ट चाहिए, रिपोर्ट पास हम लोग की नहीं और आज भी नहीं दी हम लोगों और उन अगली पार्टी के दबाव का अपने लड़के को जबरदस्ती देने के लिए कुछ और इन लोगों ने परेशान कर रहे, आज भी हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। मना किया तो उसको आप अपना ब्याज पार्टी का ऐसा बोलो तो आपको हमें ऐसा नहीं, आपको भी ज़्यादा बात करेंगे तो ध्यान बदलवा देंगे। कौन लोग हैं जो
आपको बयान पर? नहीं तो कौन लोगों ने आपके लड़के को जो तो उसको कल उठा लिया गया, अपन ने उनकी कंप्लेंट वापस ले ली तो उसके ऊपर से दबाव डाल दिया। कौन लोगों ने बमबाजी की है आपको, आपके घर पे कौन लोगों ने बमबाजी की? बम राज की समस्या थी, उन्होंने बदला जिनसे उनकी लड़ाई भी भाई अपनी तो भाई नहीं लड़ाई किसी से। लड़के का नाम बताइए जिसको उठा ले गए। जिंदाबम में पढ़ते अनिकेत कुशवाहा। आप कहाँ के रहने वाले? कंचनपुर आधार पुराना कंचन। आपका नाम क्या है? चंदूलाल कुशवाहा। थोड़ा तेज बोलिए। फिर लेगा तो सीधे थाने। बाद में रात को जब हम लोग ने प्रेशर डाला तो इन्होंने सामने वाली पार्टी से पैसा लेकर। क्या कहना है पुलिस वाले? आपने पुलिस वाले से कुछ पूछा क्या लेके गए हैं? पुलिस अधीक्षक कार्यालय कवरेज करने पहुंचे मीडिया कर्मियों से मौजूद पुलिस जवानों ने किया अभद्र भाषा का प्रयोग। बोल दीजिए ना, एसपी साहब ने मिलने नहीं दिया। आप बाइट तो मैं बाइट करने से रोका। आप भी बता दीजिए ना, कैसे पुलिस आपको ये समझदारी होना चाहिए कि मैं पालन कर रहा हूं। नहीं तो आपसे ये निवेदन, तो आप ही बता दीजिए कि एसपी साहब ने नहीं मिलने दिया। पहुंचे मीडिया कर्मियों से मौजूद पुलिस जवानों ने किया अभद्र भाषा का प्रयोग। बोल दीजिए ना, एसपी साहब ने मिलने नहीं दिया। आप बाइट तो मैं बाइट कवरेज करने से रोका। आप ही बता दीजिए ना, कैसे पुलिस आदेश का मैं पालन कर रहा हूं। नहीं तो आपसे ये निवेदन, तो आप ही बता दीजिए कि एसपी साहब ने नहीं मिलने दिया। भोपाल से बड़ी खबर आ रही है।